ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की छोटी सी नदी सागर की ओर पहुंच जाती है तो वहां अपना विस्तार अपना मुखपात्र बढ़ाती चली जाती है। जैसे जैसे हम जबलपुर के पास आ रहे हैं जबलपुर का विस्तार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ध्यान रखे बढ़ते हुए भी नदी बहुत चतुर हुआ करती है, ये समझे। हाँ, और आपको कोई किसी प्रकार से आकुलता नहीं करना चाहिए। और ये भी बात है कि बहुत सारी गाड़ियां होते वाहन होते हैं, वो अपने अपने दिशाओं से कहीं न कहीं से निकल जाते हैं, किंतु कोई भी विमान होता है उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप से आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे। देखो ऐसा है, अखबार में छोटी छोटी खबर छपती है, बहुत बहुत बड़े बड़े निबंध नहीं छपते, उसी से जो है ज्ञात हो जाता है कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसके उपरांत भी आप अपने मतलब की ही बात समझते हो तो हम भी अपने मतलब की बात समझते हैं। बहुत अच्छा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़नी चाहिए लेकिन ठंडी लहर भी चल रही है, इसका अर्थ बिहार के लिए योग्य सुहाना मौसम होता जा रहा है। बहुत अच्छा, आप लोग हम क्या कहें, चूंकि महानगरी है और महानगरी के चारों तरफ प्राय करके बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं जिसको आप लोग बाईपास भी बोलते हैं। नहीं समझे। हाँ, इसलिए ये आप लोगों ने बनाए, हम क्या करें। पहले किलाबंदी होती थी और आज तो बाईपास, इसलिए अब वो सुविधाजनक है। नहीं समझे, स्वतंत्रता है, सुविधा भी है और बड़े बड़े भी रास्ते हो गए हैं। इतना अवश्य है कि आप लोगों के लिए कभी कभी घंटों लग सकते हैं और हमारे लिए घंटों में बहुत मिनटों में काम हो जाते हैं। आप वहां नहीं चला पाते और हम आगे हो जाते हैं, इसी प्रकार आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वाहन छोड़ नहीं सकते, वाहन होते तो उठा के ले जाए लोग, नंबर ही समाप्त कर दे उसका। इसलिए आप लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कुछ हो जाए। बिल्कुल, हनुमान ताल के भी बाबा है, लालगंज के भी बाबा है, शिवनगर के भी बाबा है, ये सब होने के उपरांत सब लोगों के यहाँ कहा जाता है कि छोटे बाबा भी है। सभी मंत्र तो शुद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन छोटे बाबा का मंत्र कोई भी शुद्ध नहीं। अहिंसा परमो धर्म की सुनो एक फास्ट फूड आचार से बदल।